चेन्नई इंडिया का पहला ऐसा शहर बन चुका है जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो रही है। कई शहरों में ग्राउंड वाटर लेवल बहुत कम हो गया है और एक शहर में तो बिल्कुल ही खत्म हो गया है। तो आज मैं इसी टॉपिक पे बात करूँगी, ग्राउंड वाटर क्या है, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन क्या है, उसके सोर्सेज क्या हैं, ग्राउंड वाटर को कैसे हम सेव करें, वाटर को कैसे सेव करें। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आप देख रहे हैं फरहत टाइम स्पॉट, मैं हूँ फरहत। ग्राउंड वाटर क्या है? ग्राउंड वाटर हमारा जो अर्थ है उसके अंदर जो पानी होता है उसी को ग्राउंड वाटर कहते हैं। तो अर्थ में कई सारे सॉइल के लेयर्स होते हैं, तो उसके अंदर वाटर होता है जो कि फ्रेश वाटर होता है। फ्रेश वाटर के कई सारे सोर्सेज हैं जैसे कि लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, टैंक्स, प्रेसिपिटेशन, ग्लेशियर्स, तो ये सारे सोर्सेज हैं फ्रेश वाटर के। तो उसमें से ग्राउंड वाटर भी एक बहुत बड़ा सोर्स है फ्रेश वाटर का, राइट? तो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन क्या है? ग्राउंड वाटर डिप्लीशन जब हम ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करते हैं, यू नो कॉन्सिक्यूटिवली हम जब इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, यूज़ करते हैं, तो ग्राउंड वाटर में कमी आएगी ऑब्वियसली, तो ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है, तो उसी को कहते हैं ग्राउंड वाटर डिप्लीशन। वाटर डिप्लीशन के कॉजेज़ क्या हैं? प्राइमरी कॉज तो ये है कि हम ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करते हैं और एग्रीकल्चरल लैंड को इरीगेट करने के लिए यूज़ करते हैं, और इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ और कंपनीज़ भी ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करती है, यूज़ करती है मैनुफैक्चरिंग के लिए, साथ ही साथ ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट होता है। ग्राउंड वाटर नेचुरली रिचार्ज होता है बारिश के पानी से, जैसे ज़मीन में फ्रैक्चर्स हैं या रॉक्स में फ्रैक्चर्स हैं, तो उसके थ्रू पानी अंदर जाता है और ग्राउंड वाटर को चार्ज करता है। तो आज मैं ग्राउंड वाटर और ग्राउंड वाटर डिप्लीशन की बात क्यों कर रही हूँ? मैंने एक न्यूज़ पढ़ी कि चेन्नई के एक शहर में ग्राउंड वाटर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो ग्राउंड वाटर जो चेन्नई में 4 रिजर्वॉयर से सप्लाई होता था वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। यहाँ तक कि 3 रिवर्स, 4 वाटर बॉडीज़, 5 वेटलैंड्स एंड 6 फॉरेस्ट कम्प्लीटली ड्राई हो चुके हैं। मतलब चेन्नई में ये हाल है कि लोग सुबह सुबह लाखों में करोड़ों में लोग लाइन लगाते हैं कि वो वाटर टैंक से पानी भर सकें, और या इवन कि पानी ड्रिंकिंग वाटर को सेव करने के लिए वो लोग गंदे पानी से अपने बर्तन धो रहे हैं। और ये सिर्फ घर का हाल नहीं है, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, यू नो इंडस्ट्रीज, कंपनीज सब स्ट्रगल कर रहे हैं पानी को लेकर। चेन्नई एक ऐसा शहर है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो वहाँ ये हाल है, तो फिर सोचिए और स्टेट्स का जहाँ पे बारिश नहीं होती या बिल्कुल कम होती है। नीति आयोग की रिपोर्ट तो पहले ही आ गई थी कि 2020 तक 21 शहरों में ग्राउंड वाटर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इसमें बड़े बड़े शहर जैसे बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, दिल्ली, ये सब आते हैं। और एक रिपोर्ट में ये भी है कि इंडिया का 40% पॉपुलेशन 2030 तक उनको पानी नहीं मिलेगा, ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलेगा। तो इसकी शुरुआत हो चुकी है, यू नो 230 बिलियन मीटर क्यूब वाटर जो है हर साल सिर्फ एग्रीकल्चरल लैंड को इरीगेट करने के लिए यूज़ होता है। जस्ट थिंक अबाउट दिस कि मतलब सिर्फ इरीगेट करने के लिए इतना पानी यूज़ हो रहा है, अदर पर्पज़ को तो। और अगर हम किसी रीजन में इसी तरीके से ग्राउंड वाटर डिप्लीट करते रहते हैं तो वहाँ 2-3 साल तक अगर सूखा पड़ जाए तो ये बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम हो जाएगी कि वहाँ हमें ड्रिंकिंग वाटर भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। वी नीड टू थिंक अबाउट दिस राइट नाउ कि हमें कैसे वाटर सेव करना है, कैसे अपने ग्राउंड वाटर को चार्ज करना है। मतलब हम ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज कर रहे हैं, उसको यूज़ कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, सो वी नीड टू रिचार्ज ऑल्सो। हम अपना फ़ोन यूज़ करते हैं, डिस्चार्ज हो जाता है तो हम उसे चार्ज करते हैं ना, तो लाइक दैट वी नीड टू चार्ज आवर ग्राउंड वाटर ऑल्सो। तो उसके लिए मतलब गवर्नमेंट तो कर ही रही है जो कर रही है। इट्स आर यू नो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट एंड ऑल्सो द इंडियन पीपल। हम दोनों को मिलकर के इसके लिए करना पड़ेगा। मतलब गवर्नमेंट सबके घर में जा जा के तो नहीं बोल सकती कि प्लीज़ सेव वाटर, वाटर हार्वेस्टिंग प्लान लगाइए, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो हमें ये यू नो स्टेप उठाना पड़ेगा, ड्रिंकिंग वाटर को, ग्राउंड वाटर को सेव करें, उसको रिचार्ज करें, राइट? वी शुड जस्ट थिंक अबाउट अवर नेक्स्ट जनरेशन, व्हाट वी विल से टू देम। मतलब पैसा रहेगा लेकिन पानी नहीं रहेगा, सो वी विल से दैट ड्रिंक द मनी। अगर आपके पास पैसा है फिर भी अगर पानी आपको नहीं मिलेगा, अगर ग्राउंड वाटर ख़त्म हो गया तो, अगर फ्रेश वाटर के रिसोर्सेज ख़त्म हो गए तो, आप पानी वेस्ट कर रहे हो तो अभी रुक जाओ एंड सेव वाटर, ऑलराइट? तो इसके क्या क्या उपाय हैं वाटर सेव करने के लिए? वाटर हार्वेस्टिंग प्लान, हमें अपने घरों में मतलब वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाना चाहिए ताकि हम बारिश के पानी को इकट्ठा करके यूज़ कर सकें, राइट? तो हम अपने टेरेस पे पानी इकट्ठा करें, उसको यूज़ करें, लेकिन जब ज़्यादा बारिश होगी तो हम क्या करेंगे? तो ज़्यादा बारिश होगी तो हम उसको अपने ग्राउंड से कनेक्ट करें ताकि वो पानी ग्राउंड में जाए, राइट? तो इस तरीके से हम वाटर हार्वेस्टिंग कर, और ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड या बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है।
हम इसको इंडिविजुअली भी कर सकते हैं और ग्रुप में भी कर सकते हैं। यदि आप सोसाइटी में रहते हैं एक साथ, तो आप उनके साथ मिल करके वाटर हार्वेस्टिंग प्लान कर सकते हो। और आजकल तो जो घर बन रहे हैं वहाँ पर ये हो रहा है, जो घर बन चुके हैं वो अभी ये कर सकते हैं। लेकिन हम ये सोचते हैं कि वाई वी शुड थिंक अबाउट दिस, गवर्नमेंट करेगी, बट नो, वी कैन डू एंड वी शुड थिंक। लेकिन अगर हम नहीं कर सकते हैं, हमें उतनी नॉलेज नहीं है इस चीज़ की, नहीं तो हम कुछ छोटी छोटी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे हम वाटर सेव करें अपने घर। जैसे हम घर पे कपड़े धोते हैं या बर्तन धोते हैं तो हम नल खुला छोड़ देते हैं। नहीं, ऐसा मत करो, डोंट वेस्ट वाटर। आप उसको बकेट में भर के या कंटेनर में भर के तब आप धुलो। कपड़े लोग ब्रश करते हैं या शेव करते हैं या फिर हैंड वॉश करते हैं तो नल को खुला छोड़ देते हैं जब तक वो काम कर रहे होते हैं, तो ये सब गलत है। आप नल तभी खोलिए जब आपको ज़रूरत है। अपने घर के यू नो टॉयलेट को या टैप के लीकेज को आप चेक करिए, कहीं आपका पानी लीक तो नहीं कर रहा। होता है जैसे पानी गिरता रहता है, लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं कि कितना ही पानी गिर रहा है, लेकिन आपको पता है कि दिन भर में कितना पानी वेस्ट हो जाता है उससे। तो आप लीकेज पे भी ध्यान दें, उसको ठीक कराएं। मैं कुछ लोगों को देखती हूँ बाहर पाइप लेकर बाहर खड़े हो जाएंगे, रोड पे पानी डालेंगे उसको ठंडा करने के लिए गर्मियों में। नो, मतलब ज़मीन तो कुछ खास ठंडी होगी नहीं, बस पानी ऊपर से वेस्ट हो जाएगा, वो ग्राउंड तक तो जा नहीं पाएगा। गार्डन में पानी डालते हैं, ऑब्वियसली ज़रूरत है तो हम डालेंगे, लेकिन हम जितनी ज़रूरत है उतनी ही डालें। ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट और ट्रीज़ ऐसे लगाएं जिसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत ना हो। बहुत सारे प्लांट्स और ट्रीज़ से होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा उसको पानी की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, जिसको हम जानते हैं बट हम फॉलो नहीं करते हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होता है, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और हमें पता भी होता है तो हम इग्नोर करते हैं। इग्नोर मत करिए, अगर हमने आज इग्नोर किया तो हमें पीने का पानी भी नहीं मिलेगा। अभी हम सोचते हैं प्यास लगी है, बस हमने फ्रिज से पानी निकाला और पी लिया। जब हमारे पास पानी नहीं होगा तो हम क्या पीएंगे? हम मजबूर हो जाएंगे गंदा पानी पीने के लिए, क्योंकि जब फ्रेश वाटर ख़त्म हो जाएगा तो हमारे पास ऑप्शन नहीं बचेगा। तो वाटर सेव करने के कुछ ट्रिक्स किसानों के लिए, अगर वो मेरा वीडियो देखते हैं तो सबसे पहले तो वो अपने रीजन के हिसाब से फसल लगाएं। जैसे कि अगर वो ड्राई रीजन में रहते हैं जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, तो ऐसे फसल लगाएं जिन फसलों को कम पानी की ज़रूरत होती है। जैसे कि वो शुगर कैन ना लगाएं, बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है उसके लिए, तो उसके लिए फिर ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो जो चीज़ बारिश के पानी से हो जाएगा हम वहाँ पर ग्राउंड वाटर यूज़ कर रहे हैं, तो इस चीज़ का ख्याल रखा जाए। दूसरा कि ड्रिप इरिगेशन टेक्निक को सपोर्ट करें, अपनाएं। हालांकि बहुत किसान इतने अवेयर नहीं होंगे, और अवेयर होंगे भी तो वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो गवर्नमेंट उसके लिए भी हेल्प कर रही है। तो अगर यदि वो ये चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें वो भी कर सकते हैं। जैसे उनके पास इतनी ज़मीन होती है तो वो साफ़ सुथरी जगह पर गड्ढा बना लें जिससे बारिश का पानी इकट्ठा हो, तो उससे भी वो ग्राउंड वाटर रिचार्ज कर सकते हैं। साथ ही अगर वो अपने खेत में पानी देते हैं ट्यूबवेल से, तो उतना ही पानी दे जितना की ज़रूरत है। मतलब कि पानी खेत में भर जाता है और बहता रहता है, लेकिन लोग ध्यान नहीं देते, कहते हैं मुफ्त का तो पानी है तो फिर यू नो बहाओ। ऐसा ना करें। हार्वेस्टिंग के दो कंडीशंस होते हैं, पहला, पहली बारिश का पानी ग्राउंड में नहीं जाना चाहिए, दूसरा, वाटर फिल्टर्ड होके ग्राउंड में जाना चाहिए, गंदा पानी नहीं जाना चाहिए। अदरवाइज़ ये ग्राउंड वाटर को, जो कि फ्रेश वाटर है, उसे कंटामिनेट कर देगा, यानी दूषित कर देगा। इसीलिए रोड का पानी हार्वेस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें बहुत सारे डर्ट होते हैं, बहुत गंदगियाँ होती हैं, तो वो हार्वेस्ट नहीं हो सकता। इसीलिए जब भी हम वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं या पानी इकट्ठा करते हैं उसके लिए, तो टेरेस पे या फिर गड्ढा खोद के हम इकट्ठा करते हैं, तो वो साफ़ सुथरी जगह होनी चाहिए, और पानी फिल्टर्ड करके अंदर जाना चाहिए, डर्ट नहीं होना चाहिए। तो ऐसी कुछ कंडीशंस और प्रोसेस है जो कि मैं इस वीडियो में डिटेल में नहीं बताऊंगी वाटर हार्वेस्टिंग का। तो अगर आपको वाटर हार्वेस्टिंग की प्रोसेस और डिटेल्स को जानना है तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में लेके आ जाऊँगी। सो वी नो हाउ मच वाटर इज एसेंशियल फॉर आर लाइफ, सो सेव वाटर, सेव लाइफ। और अगर मेरी ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। अगर कुछ लोग भी इससे अवेयर हो जाते हैं तो बहुत अच्छा होगा, बिकॉज बाय बिकमिंग अवेयर टुडे वी कैन अवर डेंजर टुमारो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।